नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एग्जाम फाइंडर में जहाँ हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटाइज पोस्ट के बारे में जिसकी वैकेंसी मेजागोन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निकली है और ये वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी इसके लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आई टेंथ और एट्थ पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में अधिक जानकारी जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फी पैटर्न एनेक्चर्स प्लेस ऑफ पोस्टिंग और अन्य के लिए आप नीचे दिए गए अटैचमेंट को गोथ्रू कर सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन गिवन है जिसको आप हमारे प्लेटफॉर्म अलर्ट डॉट एग्जाम पाथ फाइंड डॉट कॉम पर विजिट करके डाउनलोड करके देख सकते हैं तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये कुछ इस तरह से है तो दोस्तों इसके जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकली वो है फोर हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव और जिन ट्रेड्स के लिए वो वैकेंसी निकली है वो यहाँ पे गिवन है तो वो है इलेक्ट्रीशियन फिटर पाइप फिटर स्ट्रक्चरल फिटर जो है ग्रुप ए की ग्रुप बी की है फिटर स्ट्रक्चरल इलेक्ट्रीशियन आई सी टी एस एम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पाइप फिटर वेल्डर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कारपेंटर ग्रुप सी की जो है वो है रिगर वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी निकली ट्रेड अप्रेंटाइज पोस्ट की वो कौन कौन से ट्रेड के लिए निकली है वो गिवन है और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन उनका यहाँ पे गिवन है तो जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रुप ए की जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है टू इयर्स जो पे स्केल है वो यहाँ पे गिवन है एज लिमिट होनी चाहिए इसके लिए पंद्रह से उन्नीस साल इलेक्ट्रीशियन ऑफ फिटर का जो पे स्केल है वो है थ्री थाउजेंड पाइप फिटर का है सिक्स थाउजेंड स्ट्रक्चरल फिटर का है सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड उसके बाद ग्रुप बी पोस्ट के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आईटीआई पास होना चाहिए कैंडिडेट एज होनी चाहिए सोलह से इक्कीस साल पे स्केल गिवन है पाइप फिटर वेल्डर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग एसिस पेंटर का जो पे स्केल है वह सेवेंटी सेवन हंड्रेड फिटर इलेक्ट्रीशियन आई सी टी और इलेक्ट्रॉनिक मकैनिक का जो पे स्केल है वो है एट थाउजेंड फिफ्टी और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है एक साल ग्रुप सी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए चौदह से अट्ठारह साल लिगर के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड है वो है दो साल वेल्डर के लिए है एक साल तीन महीने और पे स्केल भी गिवन है जो है पच्चीस सौ पाँच हज़ार और पचपन सौ तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे सारे जिन ट्रेड के लिए वैकेंसी निकली है उनका नाम उनकी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन और उनकी एज लिमिट साथ में ट्रेनिंग पीरियड और पे स्केल भी गिवन है उसी के साथ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे गिवन है जैसा कि आप देख सकते हैं यू आर कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रीशियन में है अट्ठारह फीटर के लिए है उन्नीस पाइप फिटर के लिए अठारह तो पांच साल का एस और एस के लिए तीन साल का ओबीसी के लिए और दस साल का दिव्यांग के लिए गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से एजेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है इसके लिए जो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेंशियल क्वालिफिकेशन गिवन है सभी ट्रेड्स की तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके गो थ्रू करके अप्लाई कर सकते हैं जो स्ट्रक्चरल फिटर है उसकी जो एजेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो कैंडिडेट ने पास किया होना चाहिए एसएससी जनरल साइंस और मैथमेटिक्स में और 50 परसेंट मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग के लिए और पास क्लास होना चाहिए एससी और एस के लिए पाइप फिटर के लिए कैंडिडेट ने एस एस सी पास किया होना चाहिए फिफ्टी मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस और दिव्यांग कैटेगरी के लिए तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए आई टी आई पास होना चाहिए फिटर में इलेक्ट्रीशियन आई सी टी एस एम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक प्लम्बर वेल्डर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में और फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में कारपेंटर के लिए जो जरूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो एप्लीकेंट ने आई टी आई पास किया होना चाहिए अब ट्रेड्स में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे की essential qualification given है तो आप इसको go through कर सकते हैं यहां पे आपको सारी जानकारी में मिल जाएगी जो सारेगरी ओबीसी कैटेगरी के लिए वो है प्लस बैंक चार्जेस और ये जो फीस है वो नॉन रिफंडेबल है एस सी एस और दिव्यांग कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं है सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे गिवन है और ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये तीन स्टेजेस में होगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे ग्रुप ए बी और सी के लिए उनको कॉल किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसमें हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे साथ ही जो एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन के वो टेंटेटिव लिस्ट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर की ये जो लिस्ट है मुंबई नागपुर पुणे और औरंगाबाद में होंगे पर ये जो लिस्ट है ये अभी टेंटेटिव है सेकेंड स्टेज जो होगी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड अलॉटमेंट होगा उसके बाद पोस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा थर्ड स्टेज होगी वो मेडिकल एग्ज़ाम होगा उसी के साथ जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने की वो है सात जुलाई 2022 लास्ट डेट है 21 जुलाई 2022 यानी कि आप 21 जुलाई 2022 तक अप्लाई कर सकते हैं टेंटेटिव डेट जो एडमिट कार्ड रिलीज होने की वो सत्ताईस जुलाई 2022 और ऑनलाइन एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट है वह तीस जुलाई 2022 एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस नोटिस को जरूर गो थ्रू करें दोस्तों मैंने आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित कर दी है मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन मिल पाई होगी अगर आप इस इवेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ और इससे रिलेटेड अपडेट्स से बने रहने के लिए आप इस इवेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और अगर आप कोई भी इन्फॉमेशन शेयर करना चाहते हूँ या डिस्कशन स्टार्ट करना चाहते हूँ तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करके डिस्कस बटन पर क्लिक करके हमारे प्लेटफॉर्म कम्युनिटी डॉट एग्जाम पाद फाइंडी डॉट कॉम पर विजिट कर सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी टॉपिक्स पे ऑन गोइंग डिस्कशंस चल रही है तो आप भी यहाँ पे आके राइट रिप्लाई सेक्शन पे जाके रिप्लाई करके इंफॉमेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में